नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHT न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ तो बात करने के लिए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर RJD कितनी तैयार है और क्या भूमिका रहेगी? देखिए, झारखंड में 2 उपचुनाव हैं। स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के मरने के उपरांत बिरमो सीट पर चुनाव हो रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अतिरिक्त सीट छोड़ने पर वहाँ दुमका में चुनाव हो रहे हैं और दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल पूरी तन्मयता के साथ वहाँ काम कर रही है। सब लोग प्रतिष्ठा दांव पर लगा करके काम कर रहे हैं और दोनों सीट हम लोगों के गठबंधन JMM कांग्रेस और RJD के गठबंधन सीटें जीतेंगी। क्या आप वहाँ पे जाएंगे या RJD के कोई और बड़े नेता चुनाव प्रचार करने पहुँच रहे हैं बेरमो और दुमका? ऑलरेडी झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी ऑलरेडी दोनों क्षेत्र में प्रचार कर चुके हैं और हम लोगों को भी माने राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी लोगों को उसमें लगाया गया है और जिला अध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया है कि आप लोग बेरमो और दुमका को चुनौती के रूप में लें और हम लोग के महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करें और सीट को हर हाल में निकालें। सर, झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस है, RJD है, JMM, वहीं बिहार में ये गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस है बट RJD जो है वो JMM से अलग है, तो बिहार में JMM के कई बड़े नेता RJD के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे जिसमें सीता सोरेन जी का भी नाम था। चूंकि वो JMM से विधायक है तो इस बार अब बिहार में चूंकि अब चुनाव की रणनीति भी थोड़ी अलग हो चुकी है, JMM और RJD अलग हो चुके हैं, ऐसे में झारखंड से कौन बड़े नेता होंगे जो RJD के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे? देखिए, वहां कांग्रेस हमारे नेतृत्व में महागठबंधन के पक्ष में यहां के जितने मंत्री हैं वो लोग प्रचार करने जाएंगे। हमारे मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी भी बिहार में प्रचार करेंगे और हम लोग भी पूरे झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी, विंग के सभी अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि बिहार चुनाव में जहां भी आपकी उपयुक्तता नज़र आए वहां जा करके महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करें। चूंकि बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष कल के मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहा है और जिस तरह उनकी सभाओं में जन सैलाब उभर रहे हैं और बिहार के युवा वर्ग लोग पूरे बेरोजगारी को लेकर के हमारे नेता का जो चुनाव मैनिफेस्टो आया कि मुख्यमंत्री के शपथ लेने के प्रथम कैबिनेट में हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, इससे युवाओं में बड़ी उत्साह है और तमाम युवा लोग अपने मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी जी को देख रहे हैं और जो ऐसे भी हमारा जो फीडबैक है जी। तो फीडबैक है उसके अनुसार से माने 3/4 माने हम लोग वहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 200+ सीट हम लोग जीत रहे हैं। जीत को लेकर पूरी तरह स्वस्थ हैं? जीत के लेके पूरी तरह स्वस्थ हैं। हम लोग 10 तारीख को जश्न मनाएंगे और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चूंकि 6 तारीख को इनका बिल है जी।
6 नवंबर को, और 6 नवंबर को बिल आधा टर्म पूरा हो जाता है तो इनको बिल भी वो मिल जाएगा। अच्छा। तो बिहार में माने डबल जोश, माने जो डबल उत्साह मनाएगा लोग, एक तो राष्ट्र गरीबों के सोच, तो दलितों अकलियतों के मसीहा माननीय लालू यादव जब बिहार जाएंगे, और बिहार में हमारी सरकार रहेगी तो लोग डबल खुशी का इजहार करेंगे। और हम लोगों का मानना है कि हम लोग का लगभग सरकार वहाँ बन चुकी है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये भीड़ दर्शाता है। क्योंकि सभी जिला, सभी जगह जहाँ जहाँ तेजस्वी जी का कार्यक्रम लग रहा है वहाँ वहाँ जन सैलाब उभर रहा है, और जहाँ जहाँ नीतीश जी का कार्यक्रम लग रहा है वहाँ के लोग जो है नीतीश जी को चोर का संज्ञा दे रहे हैं कि नहीं चोर यहाँ से भागो, नीतीश चोर है, नीतीश चोर है। कल औरंगाबाद में सभा थी, वहाँ के लोगों ने एक माने हवा देने का काम किया, कि बताने का काम किया कि आपके 15 वर्ष के कार्यों से यहाँ की जनता काफ़ी ऊब चुकी है, और वहाँ के जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव के पक्ष में हम मतदान करेंगे। तो बदलाव अब RJD करके दिखाएगी जी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप राजद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या प्रभार मिला है और कितनी चुनौती आप देख रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से इसे पूरा करेंगे? बिहार जाना है? बिहार तो जाना तय है, हम लोग जाएंगे, हम लोग अपने नेता को जिताने के लिए, माने पूरे, हम सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, पूरे झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के कुनबा सभी लोग झारखंड में बिहार के लिए कैंप करेंगे, और जहाँ जहाँ जिनका हम लोग कहे कि चाहे विंग के अध्यक्ष हों चाहे जिला अध्यक्ष हों, तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग भी अभी से ही बिहार में कैंप करें, और कैंप करके अब जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं सभी लोगों को जिताने का काम करें। तो देखिए, ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी, जिन्होंने RJD के लिए पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त देखे, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि RJD के लिए दुगनी खुशी होगी क्योंकि लालू जी भी बेल से रिहा हो जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें श्री न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।